किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं पोल्ट्री से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत से किसान भाइयों को ये नहीं पता होगा कि लगभग 8 से 10 दिन से जो जम्मू श्रीनगर हाईवे वो पूरी तरह से बंद पड़ा था। इसका जो कारण है, जो मोस्टली रहता है स्नो फैलिंग, यानी कि बर्फबारी नहीं था। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का बंद होने का कारण किसान भाइयों यही था कि इसको जोड़ने वाला जो ब्रिज है, रामबन ब्रिज है, वो बिल्कुल उसकी जो एक दीवार है वो गिर चुकी थी। इसमें जो राहत की खबर यही है कि इसको सैटरडे यानी कि 16 जनवरी 2021 में जो वन वे रोड है, एक तरफ का जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल अच्छे से उसको चलता कर दिया गया है। बाकी जो रहता मेंटेनेंस का काम वो अभी भी जारी है। कहने का मतलब यही है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो अच्छे से उसको स्टार्ट कर दिया गया है। राहत की खबर है जम्मू, पंजाब और हरियाणा के जो पोल्ट्री किसान भाई है उनके लिए। इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो जैसे कि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि जब भी जम्मू श्रीनगर हाईवे किसी भी तरह से बंद होता है, चाहे वो स्नो फैलिंग यानी कि बर्फबारी की वजह से हो, जहाँ कोई ब्रिज ढह जाता है, इसका जो सीधा सीधा असर है वो मुर्गा मंडी पर जरूर पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि जो श्रीनगर की तरफ जाने वाली सप्लाई है वो बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, वो बंद हो जाती है। तो जिसके कारण उन चंद दिनों के लिए मुर्गा मंडी का रेट है वो भी काफ़ी डाउन चला जाता है। उम्मीद तो किसान भाइयों यही है कि जो श्रीनगर खुल गया है इसके जो असर है वो भी पोल्ट्री मुर्गा मंडी पर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन जो रेट है वो कहीं ना कहीं उतनी तेज़ी से जंप नहीं ले पा रहा है। तो इसका कारण यही है, जो अफवाहें उड़ रही है उन पर अभी तक जो है पूरी तरह से विराम नहीं लगा है। ऊपर से जो हमें मीडिया की ओर से खबरें सुनने को मिलती है कि कुछ जो सैंपल है वो बर्ड के सैंपल है वो जलंधर लैब को भेजे गए हैं, उसकी रिपोर्ट है वो इतने दिन बाद आएगी। लेकिन वो जहाँ पर जो बर्ड यूज़ कर लेते हैं कि शक्की हालात में कुछ बर्ड है जो बर्ड फ्लू से ग्रसित जो मिले हैं, लेकिन जब एक आधे दिन के बाद जो रिपोर्ट आती है वो बिल्कुल नेगेटिव रहती है। किसान भाइयों ये जो हम मीडिया का रोल देख रहे हैं टीआरपी के लिए हो, चाहे वो या फिर न्यूज़ को ज़्यादा मिर्च मसाला लगाकर पेश करना हो, और साथ ये जो शब्दावली यूज़ कर रहे हैं कि कुछ शक्की बर्ड हमें मिले हैं, तो ऐसी जो ऐसी कुछ बातें हैं वो मुर्गा मंडी का रेट है बढ़ने में कुछ जो है दा डाल रही है। किसान भाइयों जहाँ पर मैं दुआ यही करता हूँ कि ये जो नया साल है इसकी जो शुरुआत है वो पोल्ट्री फार्म के लिए अच्छी नहीं हुई है। चिकन और एग को लेकर लोगों में चेतना आए, अफवाहों से बचें, कहीं हम पढ़ लिख कर भी अनपढ़ ना रह जाएं। तो इस वीडियो को और ना बढ़ाते हुए यहीं पर समाप्त करता हूं। इस वीडियो में मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। संदीप पोल्ट्री पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जो भी हम आगे आपको वीडियो लेकर आएँ उसका जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।